किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कीमत का तयन करने के लिए कुछ खास वक्त के गुजर जाने के बाद उसकी कीमत क्या होगी वो ज़्यादा हो जाएगी वो कम होगी इसके समझने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिमांड ऑफ अ बॉन्ड एंड द सप्लाई ऑफ अ बॉन्ड तो सप्लाई ऑफ अ बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वान्टिटी सप्लाइड ऑफ अ बॉन्ड या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एट डिफरेंट प्राइसेस होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट यही शर्त जब हम डिमांड को अकाउंट फॉर करते हैं डिमांड फॉर अ सर्टन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो वहां भी जब हम डिमांड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उधर भी हमें ये कंडीशन लगानी पड़ती है कि हम प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या बॉन्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट सिर्फ प्राइस का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड इसी तरह से क्वांटिटी सप्लाइड का जब आप रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं प्राइस को तो आपको बाकी के तमाम फैक्टर्स जो कि क्वांटिटी सप्लाइड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो कि सप्लाई ऑफ अ बॉन्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उसको आपको रोक के रखना पड़ेगा तो इकोनॉमिक्स में हम इस रोक देने को बोलते हैं कंडीशन ऑफ सेटरस पेरिबस तो हम यहाँ भी और डिमांड में भी ये कंडीशन लगा रहे हैं कि बाकी के कोई और फैक्टर्स में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आएगी और सिर्फ और सिर्फ हम क्या करें क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई का रिस्पांस टू चेंजेस इन प्राइस को एनालाइज करें वो किस तरह से बदलेगी जब जब कीमत में कमी और बेशी आएगी तो उसको देखने के लिए वी ऑब्जर्व के प्राइस के इंक्रीज करने से किसी भी फाइनेंशियल एसेट के कीमत के बढ़ जाने से उसका क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाता है और उसकी कीमत जब कम हो जाएगी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम तो उसका क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगा और इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी अ पॉजिटिवली स्लोपिंग कर्व जो कि बता रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड को ऑन द कॉन्ट्री जब हमने डिमांड डिस्कस की थी तो वहाँ हम देखते देख सकते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के साथ कैसे चेंज करती है होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट आपने बाकी तमाम फैक्टर्स को जो कि डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनको रोक के रखा है और सिर्फ प्राइस का इफेक्ट उस पर देखा है तो ऐसे के सिचुएशन में हम देखते हैं कि वहाँ रिलेशनशिप नेगेटिव होती है इसका मतलब है कि जब कीमत जो है वो कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड हाई होगा और जब कीमत हाई होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा तो डिमांड के सिचुएशन में देर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप सप्लाई के सिचुएशन में देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप इफ द इंटरेस्ट रेट इज रिलेटिवली लो इन द मार्केट अगर वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है तो आपके लिए बहुत आसान है इस सिचुएशन में कि आप बोरो कर सकें और बोरो करेंगे कैसे आप बोरो करेंगे बॉन्ड्स को इशू करके ठीक है और जब आपकी इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो जाएगी तो फिर इसका ऑपोजिट काम ऑपरेट होता है इसका मतलब है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हाई हो गई है और ऐसे के सिचुएशन में आप को बैंक में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ़ायदा मंद लग रहा है इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने की वजह से तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे बॉन्ड्स की प्राइसेस हैं उनका इंटरेस्ट रेट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है और एनदर इम्पॉर्टेंट डायमेंशन विच वी नीड टू लुक एट इज़ के फर्म्स उस वक्त ज़्यादा बॉन्ड्स इशू करके बोरो करती हैं जब इंटरेस्ट रेट कम होता है और क्वान्टिटी ऑफ सप्लाई जो है वो हाई होगा इन सिचुएशंस जहाँ जब भी आपने देखा मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो लो है तो इट इट इज़ इट सीम्स टू बी मोर इकोनॉमिकल फॉर यू टू सप्लाई मोर एंड मोर बॉन्ड्स इन द मार्केट व्हेन द इंटरेस्ट रेट बीइंग ऑफर्ड इज रिलेटिवली लो तो अगर लो है इंटरेस्ट रेट तो आप इसका मतलब है कीमत हाई होगी बॉन्ड की और आपका सप्लाई हाई होगा ठीक है और इसी का ऑपोजिट कर सकते हैं हम एज्यूम करके कि जब इंटरेस्ट रेट हाई है तो इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है और इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब जो फर्म्स हैं वो बॉन्ड्स ज़्यादा तादाद में सप्लाई नहीं करेंगे और ऐसे के सिचुएशन में जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है लोग बॉन्ड को लेना पसंद नहीं करेंगे अपने पैसे बैंक में डालना पसंद करेंगे तो बॉन्ड की प्राइस लो हो जाएगी और लो प्राइस की वजह से भी आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड है ऑफ़ द फाइनेंशियल एसेट वो कम हो जाता है तो हमने देखा कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अप हैं इंटरेस्ट रेट प्राइस ऑफ अ फाइनेंशियल एसेट एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट सो द रिलेशनशिप फ्रॉम दिस वी कैन इन फन बिग वन बिग कॉन्क्लूजन एंड दैट इज़ कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो बॉन्ड प्राइस के साथ में इनवर्सली रिलेटेड होती है एक चीज़ ऊपर जाएगी तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी एंड वाइस वर्सा